YouTube channel Tech Engineer. If you want to learn programming without spending too much money, we are here. Hello friends, welcome again to our channel. आज हम करेंगे कि HTML क्या है, क्यों हम use में करते हैं और क्यों हमें सीखनी चाहिए। HTML बहुत ही ज़्यादा important है अगर आप web designing, web development में आना चाहते हो और या फिर आप कर रहे हो। तो what is HTML? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है? हाइपर यूज करते हैं हम लिंक करने के लिए, मार्कअप किसे कहते हैं? टेक्स्ट को। ये टेक्स्ट की लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है। और HTML बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 99% वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट विदाउट HTML नहीं बन सकती, क्योंकि ब्राउजर को सिर्फ HTML, CSS और JavaScript समझ आते हैं, इसके अलावा उसे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ नहीं आती। कोई भी ब्राउजर हो वो सिर्फ HTML ही समझता है। तो अगर ब्राउजर है सिर्फ HTML ही समझता है तो HTML की डिमांड सबसे ज़्यादा है। तो HTML बहुत ही ईजी है सीखने के लिए। HTML का पास्ट क्या है? HTML कब आई? जो HTML है 1990 में बर्नर्स ली ने इन्वेंट की थी और उसके बाद इसमें थोड़े 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 अपडेट्स आते गए और 2014 में इसका HTML 5 वर्जन आया, जो कि हम करंट वर्जन जो हम यूज़ करते हैं। तो HTML का हम सिंपल सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे ऊपर आता है डॉग टाइप, और स्टॉक टाइप के साथ हम HTML लिखते हैं। HTML के स्टार्ट होते ही आता है हेड, और हेड में सबसे पहले आते हैं मेटा टैग्स। अब आप पूछोगे मेटा टैग्स होते क्या हैं? मेटा टैग्स होते हैं जो कि हमारे डॉक्यूमेंट के बारे में बताते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट किस टाइप का है, क्या कुछ है इसमें, जो कि सर्च इंजन है जो गूगल, यही सर्च करके उन्हीं मेटा टैग से इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स लेकर वो आपको सर्च करके आपको वेबसाइट्स दिखाता है। जब आप गूगल पे लिखोगे ना टेक इंजीनियर, तो वो कहाँ से, उसे कैसे पता चलेगा कौन है टेक इंजीनियर, कौन सी साइट दिखानी है? जो मेटा टैग्स में इंफॉर्मेशन होगी वो सर्च करके लाएगा, ठीक है। और मेटा टैग्स को मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, उससे पहले हम यूज करते हैं इसमें टाइटल। और जो भी टैग स्टार्ट हुआ है वो क्लोज भी होना है। मोस्टली टैग्स क्लोज होते हैं, सिर्फ दो ही टैग्स हैं जो क्लोज नहीं करने पड़ते, जो सिंगल टैग होते हैं, अदरवाइज टैग्स डबल होते हैं। इसे हम ओपनिंग टैग कहते हैं, इसे एंडिंग टैग कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है, इसके बाद हम हेड क्लोज कर देंगे। अगर हम स्मॉल में यूज करते हैं इसे, और उसके बाद स्टार्ट होगी बॉडी। बॉडी सबसे मेन टैग है, जितना भी आपने डिजाइनिंग करनी है, जो भी HTML पे लिखना है वो बॉडी टैग के अंदर ही लिखोगे, ठीक है। उसके बाद बॉडी क्लोज हो जाएगी। आफ्टर दैट HTML भी क्लोज हो जाएगा। ये सिंपल फॉर्मेट है HTML फॉर्म बनाने का। और डॉक टैग क्यों यूज करते हो, जो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि व्हाई वी हैव यूज द डॉक टाइप HTML, राइट? बिकॉज कि अगर मैं इतना भी डॉक टाइप नहीं लिखूं तो भी, इतना टैग्स लिखूं तो भी ब्राउजर में ये मुझे दिख जाएगा रिजल्ट, ये भी चल पड़ता है। लेकिन डॉक टाइप क्यों ऐड करते हैं वो आप मुझे प्लीज बताना कमेंट्स में।